स्वच्छता अगेन अभियान द्वारा 40 युवाओं का संगठन इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल कर रहा है। इसके तहत इंदौर शहर में हर माह तकरीबन 2 लाख कागज के कप मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ रविवार को आनंद मोहन माथुर सभागृह में दादू महाराज के सानिध्य में हुआ। संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र रायमले, जमील खान और रंजीत राठौर ने बताया कि इस अभियान का मकसद लोगों में पेपर बैग और कप की आदत डालना है, ताकि स्वच्छता की तरह इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान के तहत इंदौर के अलग अलग क्षेत्र के दुकानदारों को संस्था की ओर से प्लास्टिक बैग और कप मुफ्त में दिए जा रहे हैं। हर माह इस तरह के 2 लाख पेपर बैग और कप वितरित किए जाएंगे। उक्त अभियान के लिए युवाओं ने आपस में ही फंड इकट्ठा किया है। अभियान के दौरान दादू महाराज ने कुछ दुकानदारों को इस तरह के पेपर बैग और कप बांटे। इस मौके पर संस्था द्वारा स्वच्छता अगेन नाम की वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी शुरू की गई। इस एप्लीकेशन में शहर के हुनरमंद असंगठित लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। 12 अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों में डाटा इकट्ठा कर इस वेबसाइट पर डाला गया है, ताकि पेंटर, बिजली, पेस्ट कंट्रोल, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लम्बिंग जैसे काम करने वाले लोग सतत रोजगार पा सकेंगे। यह सुविधा भी इन लोगों को निशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। शहर के लोग इस वेबसाइट पर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं, साथ ही हुनरमंद लोगों से सेवा लेकर उन्हें रोजगार दे सकते हैं। और ऐसे ऐसे साइट्स की तरफ चले जाते हैं जिससे उनका मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी रुक जाता है, थम जाता है और पतन की ओर गिरने लग जाता है। SRF ग्रुप के आज शुभारंभ अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहां पर आकर बहुत खुशी मिली कि जितने युवा हैं वो सब 35 के अंदर के युवा हैं, और वह अपने साथ साथ ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि खुद तो कमाएं, लेकिन ऐसे सब लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो ऐप के बारे में नहीं जानते, जो मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना व्यापार किस प्रकार से फैलाएं उसके बारे में नहीं जानते। उन सब छोटे छोटे व्यापारियों को भी अपने इसमें शामिल कर रहे हैं और यह एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि यह अपनी मनोवांछित इच्छा में प्राप्त करें और ऐसे सभी लोग जो इनसे जुड़ रहे हैं उनको भी अच्छे से ज़्यादा व्यापार मिले। महामंडलेश्वर दादू महाराज। एक सोशल नेटवर्किंग साइट का एक मंच प्रदान किया है इंदौर के युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं और जिन लोगों को उचित मूल्यों पर कार्य नहीं मिल पाता है, जैसे कोई गैराज मैकेनिक है और वो किसी शॉप पर काम करता है दिहाड़ी के रूप में, तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें, जिस तरह से आपने देखा होगा, उबर, अमेजॉन, इस तरह की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जब वो अपने को उसको राइड करना होती है, जब वो राइड पर जाता है तो तभी वो नेट ऑन कर लेता है और वो तब उस जॉब पर एक्टिव हो जाता है, और जब उसको काम नहीं करना होता है तो वो उस ऐप को उसका नेट अपना स्विच ऑफ करके वो अनएक्टिव हो जाता है। मतलब स्वेच्छा से कार्य करना है और वो हमारी जिस भी नेटवर्क में आएगा तो उसे उसका, अगर जिस एरिया में, उस एरिया में कोई एक्टिव उसको अगर कोई इंक्वायरी मिलती है तो वहाँ पर जाकर वो काम करेगा। और दूसरा उद्देश्य इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाना। हमारी संस्था की ओर से पहले सर्वप्रथम इनिशियल तौर पर 2 लाख ग्लास और कागज की थैलियाँ और कैरी बैग बांटे जाएंगे। ये स्वेच्छा से हमारी ओर से दिया गया है, क्योंकि इंदौर नगर निगम के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है देश के अंदर, जिसमें हमारा देश, पूरे देश के अंदर इंदौर शहर 3 बार स्वच्छता में नंबर बनाया है। पहली बार तो हम होड़ में आ गए, लेकिन दूसरी और तीसरी बार जब हम नंबर बनाए थे तो ये एक हर इंदौरवासी ने इसको जिया था, तब जाके नंबर बनाया है। तो इस बार भी हमारे पूरा प्रशासन और इंदौर का हर एक नागरिक इस मुहिम में लगा हुआ है। दिन रात हमारे कर्मचारी, इंदौर नगर के कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, तो इस मुहिम को तेज बनाने के लिए हम लोग इसमें साथ जुड़ रहे हैं। और